बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सैयद वासक बिल्ला। सबसे पहले हेडलाइंस। सवात के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से छतें गिरने से 5 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। टंग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पनामा लीक्स के इल्ज़ामात उनके ऊपर बजा लगाए गए हैं और वो आवाम के सामने ज़रूर खिताब करेंगे। आपको सीधा लिए चलते हैं सवात, जहां पर हमारे नुमाइंदे शीरीन ज़ादा, जो एक्सप्रेस के नुमाइंदे हैं, इस वक्त सवात में मौजूद है। शीरीन ज़ादा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सवात में? बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि क्या कहेंगे इसके हवाले से? यहाँ पे बर्फबारी हुई है और यहाँ पे उनकी आवाज़ अच्छी तरीके से अदा नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार उनसे मिला हूँ, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी बहुत हुई है। लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है और हुकूमत से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि यहाँ पर जल्द से जल्द बिजली की फराहमी मुमकिन हो सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोगों के मकानात गिर चुके हैं उसी हवाले से भी हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि उनकी मदद करे। और इसके साथ साथ हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि यहाँ पर जो सिविल हस्पताल से, यानी कि जो PTI ये दावा करती रही है कि हमने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है, चूँकि उनके हस्पतालों में ऐसी सूरत हाल जो है वो बहुत ही कम है कि आम आवाम को उनसे फ़ायदा हो। तो जब इन मरीज़ों को उस अस्पताल में लाया गया था तो वहाँ पर ना ही डॉक्टर थे, ना ही नर्स थे, ना ही बाबू वगैरह थे। तो इस हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रब्ता करने के लिए। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।